नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। तेहरान में कर दी गई है हमास चीफ इस्माइल हनिया की हत्या, और एक ये ऐसा मर्डर है जिसमें इस्लामिक वर्ल्ड में सनसनी फैला दी है। एक ऐसा कत्ल जिसे पूरी दुनिया को इस डर में डाल दिया है कि क्या एक और जंग होने वाली है। तेहरान में आधी रात को एक घर पर गाइडेड मिसाइल से हमला होता है, और ये वही घर था जिसमें रुका हुआ था हमास चीफ इस्माइल हनिया। हमले में हमास चीफ की मौत हो गई, और हनिया की मौत के बाद अब हमास ने बदला लेने की कसम खा ली है। हम आपको बताते हैं उस आधी रात की पूरी कहानी, कैसे की गई हमास चीफ की हत्या। देखिए इस रिपोर्ट में। तीन सौ दिन बाद इसराइल का बदला पूरा। इसराइल ने आखिरकार हमास से 7 अक्टूबर के नरसंहार के मास्टरमाइंड हमास चीफ इस्माइल हानिया को इसराइल ने वहां मारा जो जगह है उसके लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित थी। तेहरान में इसराइल का ऑपरेशन इंतकाम। हमास चीफ इस्माइल हानिया को इसराइल ने गाजा, फिलिस्तीन, कतर या फिर सीरिया में नहीं, बल्कि उसे मोसाद ने ईरान की राजधानी तेहरान में मारा। और ऐसा करके इसराइल ने पूरी दुनिया को दो संदेश दिए। पहला संदेश ये कि इसराइल के दुश्मन के लिए पूरी धरती में कोई जगह सुरक्षित नहीं। दूसरा संदेश ये, दुश्मन से बदला लेने में मोसाद से खतरनाक एजेंसी पूरी दुनिया में नहीं। इस बदले के साथ ही इसराइल ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो अपने दुश्मनों को ना भूलता है और ना ही माफ करता है। दुनिया हैरान, ईरान में कोहराम। इसराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराने के लिए मौका भी ऐसा चुना जब इस्माइल हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। यानी इसराइल का शैतान कहे जाने वाला हानिया ईरान का राष्ट्रीय मेहमान था, और वो ईरान की राजधानी तेहरान के जिस घर में रुका था वहीं उसकी एक गार्ड समेत हत्या कर दी गई। वीडियो ने कराई हानिया की हत्या। हानिया की हत्या की कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। 30 जुलाई यानी कल हानिया तेहरान में था। इस दौरान हानिया ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई से मिला था। दोनों की इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था। माना जा रहा है कि इसी वीडियो से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को उसके ठिकाने का सुराग मिला। हानिया के अलावा इसराइल का दूसरा निशाना बना हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फाउद शुकर, उसे इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में मार गिराया। This evening, the IDF carried out a targeted strike in Beirut on Fuad Shukr, also known as Said Muhsin, Hezbollah's most senior military commander. हमास के टॉप कमांडर की हत्या के बाद पूरा मुस्लिम वर्ल्ड हैरान है। ईरान ने इस्माइल हानिया की हत्या पर हमास, फिलिस्तीन और पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए संवेदना व्यक्त की है, लेकिन ईरान ने अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं दी कि तेहरान में हानिया की हत्या कैसे हुई। हानिया की हत्या के बाद ईरान में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहीं हमास ने कहा है कि इसराइल ने टारगेटेड मिसाइल हमले के जरिए हानिया की हत्या की, और हमास इस हत्या का भयानक बदला लेगा।